आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश में राजनीतिक हलचल बड़ी हुई है। विपक्ष की ओर से एक साझा उम्मीदवार उतारने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने एक बड़ी बैठक भी की है, जिसको तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुलाया था। विपक्ष की ओर से शुरू से ही शरद पवार का नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रहा था, लेकिन शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। विपक्ष के नेताओं का मानना था कि शरद पवार के नाम पर आम सहमति बनाने से कोई मुश्किल नहीं आती और वह इस पद के लिए बेहतर दावेदार भी थे। हालांकि शरद पवार के इनकार के बाद अब नए राष्ट्रपति उम्मीदवार की तलाश में विपक्ष जुट गया है। इन सब के बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी बड़े बयान दिए हैं और साफ तौर पर कह दिया कि वर्तमान में राजनीति के भीष्म पितामह शरद पवार हैं। बताते चले कि शरद पवार बहुत बड़े नेता है। इस देश के विरोधी दलों की जो राजनीति है उसमें वह भीष्म पितामह हैं। उन्होंने कहा कि अगर पवार साहब चुनाव लड़ने के लिए हाँ कहते तो इस चुनाव को एक बहुत बड़ा आयाम और प्रतिष्ठा मिल जाती। इसके साथ ही शिवसेना नेता ने आगे कहा कि लेकिन पवार साहब ने कुछ कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकते, इसे बचा दी। अगर कोई उनके कद का दूसरा उम्मीदवार हमें दिखता है तो खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन सब संपत्ति के नाम पर कोई भी चलेगा। विपक्षी दलों की बैठक में अब कई दलों के नेताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार को संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आती है वो ये है कि पवार द्वारा प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद विपक्ष के संभावित उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी के नाम भी सामने आए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर आप सहमति बनाने के लिए बनर्जी द्वारा बुलाए गए विपक्षी दलों की इस बैठक में कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कंचगम, राकंपा और समाजवादी पार्टी सहित करीब 17 राजनीतिक दलों के नेता ने शरीक किया। और साथ ही साथ विपक्षी दलों की एक और बैठक पवार ने 20 जून को बुलाई है। पवार ने एक ट्वीट में कहा था कि मैं विपक्षी दलों का आभारी हूं कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए मुझे उम्मीदवार बनाने की सोची, लेकिन मैं इस प्रस्ताव को नहीं मान सकता हूं। इस तरीके की बात वो कहते नजर आए। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला या फिर गोपाल कृष्ण गांधी, जो गांधी जी के यहाँ पर पड़पोते हैं, उनको भी यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है राष्ट्रपति पद को लेकर और शरद पवार को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।